चाचा को बेचारा बनाना अखिलेश यादव को सबसे महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि शिवपाल ने भी अगला कदम बढ़ा दिया है और अमित शाह से समय तक मांग लिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर, मैं हूं नवीन चौहान। अखिलेश ने चुनाव से पहले खूब सपने दिखाए थे शिवपाल यादव को कि चाचा आप चिंता मत कीजिए, मैं साथ खड़ा हूं ना, परिवार अब एक हो गया है, भूल जाइए जो कुछ भी कहे, आप और हम साथ हैं। लेकिन सिर्फ चुनाव से पहले अखिलेश ने तो चुनाव खत्म होते ही विधायक दल की बैठक बुलाई, उसमें शिवपाल को न्योता नहीं गया था। शिवपाल ने पार्टी का सपना छोड़ दिया था कि हम अब अपनी पार्टी को आगे नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन अखिलेश ने जो खंजर खोपा उसके बाद सोचना तो पड़ेगा। दरअसल शिवपाल यादव को साइकिल के चुनाव चिन्ह पर लड़ाया गया, वो जसवंत नगर से जीते भी, लेकिन जीतने के बाद विधायकों की बैठक में बुलाया नहीं गया, लिहाजा सब कुछ चूर चूर हो गया। बेटे को भी टिकट मिलने से ना मिलने से नाराज नहीं थे, लेकिन नाराजगी अगर बढ़ी तो सिर्फ अखिलेश के इस बात से। उसके बाद वो इटावा गए, परिवार के सदस्यों में से मिले, उसके बाद उन्होंने रवानगी शुरू कर दी दिल्ली अपने बड़े भाई और पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव से मुलाकात कर ये पूछा कि अब क्या किया जाए, धोखा बहुत मिल गया, स्वाभिमान चूर चूर हो गया, आप बताइए तो भैया। भैया ने भी बता दिया होगा कि आखिरकार अगला कदम शिवपाल आप क्या उठा सकते हैं, लिहाजा जैसे परिवार पहले टूटा था चुनाव से ठीक पहले, अपर्णा यादव खूब बातें होती रही कि परिवार एकजुट होगा एकजुट होगा, लेकिन अपर्णा आखिरकार योगी आदित्यनाथ के साथ चली गई, बीजेपी ज्वाइन कर ली और खूब फायदा बीजेपी को हुआ भी। अखिलेश यादव बैकफुट पर आ गए और अब शिवपाल यादव अगर लोकसभा 2024 से पहले बीजेपी का दामन थाम लेते हैं तो अखिलेश को बड़ा झटका जरूर लगेगा। दरअसल शिवपाल यादव की यादवों के बीच अच्छी पैंट है, वो लगातार उनके बीच रहते हैं, कार्यकर्ताओं की सुनते हैं और इसीलिए शिवपाल आज तक 5 साल बाद भी टिके हुए हैं। और शायद यही दिक्कत अखिलेश यादव को थी कि अगर वो पार्टी में फिर से जुड़ गए, कार्यकर्ता उनके संपर्क में आ जाएंगे, अखिलेश को कोई पूछने वाला नहीं होगा और इसीलिए उस बैठक में उन्हें नहीं बुलाया गया। हालांकि आगे उम्मीद थी कि न्योता जाएगा, लिहाजा गठबंधन के जो साथी थे उन सबको न्योता गया, उसी में शिवपाल यादव को भी चला गया, लेकिन शिवपाल ने इस बैठक में जाने से साफ मना कर दिया और वो डटे रहे इटावा और दिल्ली में। लेकिन अब जो सबसे बड़ी खबर है, जो लगातार चर्चा हो रही है, वो यही है कि अमित शाह से शिवपाल यादव ने वक्त मांग लिया है कि बैठक तो कीजिए, कुछ बात करेंगे। और आपको पता है कि अमित शाह से बैठक का मतलब क्या है, यानी अब रणनीति 2024 की तय होगी। अपने बेटे के साथ शिवपाल यादव अमित शाह से मुलाकात करेंगे और 2024 में किस तरीके से, कहां से शिवपाल को टिकट मिलेगा, कहां से बीजेपी उनको उतार सकती है, कौन सी जिम्मेदारी बीजेपी में उनको दी जाएगी, इसमें किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है। और हो सकता है कि इसी सरकार में भी शिवपाल यादव शामिल हो जाएं, ऐसा भी हो सकता है कि फिर से शिवपाल यादव जसवंत नगर से बीजेपी के उम्मीदवार बनकर उतर जाएं, क्योंकि वो विधानसभा की शपथ लेने नहीं गए, यानी गुस्सा उनके अंदर खूब है और वो सोच रहे हैं कि आखिरकार अब बदला कैसे लिया जाए। अब बदले के लिए तैयार हैं शिवपाल और अपना कदम बढ़ा चुके हैं। अखिलेश यादव को अपनी ये भूल काफी भारी पड़ सकती है, इसमें किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है। 22 में अखिलेश यादव सपना देख रहे थे कि वो बहुमत के साथ फिर से आएंगे, लेकिन सिर्फ 111 सीटों पर सिमट गए और इसीलिए जो औपचारिकताएं थी वो भी पूरा करने से भूल गए। हालांकि विधानसभा में तो आखिरकार उन्होंने कुछ अच्छा जरूर किया। आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और हेडलाइंस इंडिया के साथ जुड़े रहिए, हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।